आज आप सिर पे लिख रहे हो कि मुझे धमकाया गया धरने के लिए, कि धरना देना चाहता है जिला पंचायत, धरना देना कोई धमकाना थोड़ी होता है। उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण पर पंचायती राज विभाग के अपर सचिव ओंकार सिंह ने धमकी देने का लगाया था आरोप, जिस पर दीपक बिजलवाण ने आज पत्रकारों से खुलकर आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि उन्होंने ओंकार सिंह के दफ्तर के बाहर धरना देने की बात कही थी, ना कि धमकी दी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं UK 24x7 न्यूज। आपको बता दें कि दीपक बिजलवाण का कहना है कि अगर ओंकार सिंह के दफ्तर के बाहर धरना देने की बात उन्होंने कही थी और ओंकार सिंह धरना देने को धमकी मानते हैं, तो यह एक जनप्रतिनिधि के नाते उनका हक है। जहां तक ओंकार सिंह की धमकी देने की बात है, तो वह उस ऑडियो क्लिप को सार्वजनिक करें जिसमें वह उनको धमकी दे रहे हैं। वहीं उनका कहना था कि दरअसल ओंकार सिंह इसलिए उन पर धमकी देने के झूठे आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ओंकार सिंह के द्वारा उत्तरकाशी जिला पंचायत के माध्यम से जेई के पद पर उनके द्वारा कहे जाने पर एक व्यक्ति को नियुक्ति नहीं दी, क्योंकि वह पूरी तरीके से सही नहीं था, क्योंकि शासन के द्वारा जब पद स्वीकृत ही नहीं किया गया है तो फिर नियुक्ति कैसे दी जाए। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के युवाओं को पारदर्शिता तरीके से नौकरी देने के लिए काम कर रहे हैं और नकल विरोधी कानून लेकर आए हैं, वहीं दूसरी तरफ ओंकार सिंह अपना आयोग बनाकर बैकडोर से नियुक्ति दिलाने का काम करने जा रहे थे, जिसका विरोध उन्होंने किया है और उससे वह धमकी मान रहे हैं। देखिए, पूरी बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है और मैं उस पर अपना आंसर देना चाहता हूँ। नंबर एक बात है कि कोई मैंने उन्हें कल ही कॉल बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है और मैं उस पर अपना आंसर देना चाहता हूँ कि नंबर एक बात है कि कोई मैंने उन्हें कल ही कॉल परसों ही कॉल नहीं की, जिस दिन ये आदेश निर्गत हुआ मैंने उस दिन भी कॉल की, तो उस दिन वो बात उन्हें धमकी क्यों नहीं लगी? क्योंकि इतने दिनों तक जब हम उसको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे थे, हम बार बार ये कह रहे थे कि भाई आप इसकी विधिवत स्वीकृति दो, हम ज्वाइनिंग के लिए मना नहीं करेंगे, अगर विधिवत स्वीकृति पालन होगा तो हम क्यों नहीं रुकेंगे, हम तैयार हैं, हम उसको ज्वाइनिंग देने को तैयार हैं। लेकिन आपने लगातार उस अपने कृत्य को छुपाने के लिए, आपको पता चल गया कि मैं डायरेक्टर हूं नहीं और जिला पंचायत अध्यक्ष अब ऊपर लेवल पर इसको बताएगा, तो आपने अपने आनंद फानंद में आपने ये सब किया, तो अपने कृत्य को छुपाने के लिए। और दूसरी अगर बात, अच्छा मैं अगर इसमें कोई ब्लैकमेलिंग वाली बात होती तो मैं उसी दिन कल ही उनको फोन करता, उससे पहले नहीं करता, मेरा उनसे पहले उससे कॉल है। तो अगर वो सच्चे इंसान है और अच्छे इंसान है तो वो उस रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करे जो मेरे और उनके बीच में है, क्योंकि मैं तो भाई रिकॉर्डिंग वोटिंग करता नहीं हूं, तो ब्लैकमेल वाली स्टाइल है नहीं। तो अगर उनके पास है तो वो जाकर शासन को दिखाएं कि इस तरह की वार्ता अध्यक्ष जी ने करी, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाई मूल बात यह है कि यहाँ ये राज्य जो है ये ऑलरेडी बेरोजगारी की बात जो आई है उस समय जो ये नकल विरोधी कानून जो लाया गया है ये क्यों लाया, क्योंकि युवा ऑलरेडी इतना हाहाकार कर रहा था और आप फिर वही दूसरे रास्ते से आप नौकरी दे रहे हो और उस लड़के का भविष्य भी आप खराब करना चाह रहे हो। आप विधिवत दीजिए, उसकी स्वीकृति दीजिए, तब आप एक जो जिस चाहे उपनल के माध्यम से दो, किसी भी माध्यम से दो या किसी एजेंसी के माध्यम से दो, उसका स्वीकृति के माध्यम से। जो आप इतना आनंद फानंद कर रहे हो कि 16 तारीख को आप जा रहे हो और उसी दिन कंपनी को भी व्हाट्सअप कर रहे हो, कंपनी भी मजा रहा उसी दिन उनको व्हाट्सअप कर दे रही, ऐसी क्या ज्वाइनिंग हो जा रही है? तो इस कृत्य को इतने में समझ लीजिए। और मेरा मीडिया से विशेष करने में, क्योंकि सच आप बताएंगे, मेरी वार्तालाप को आपने पहुंचाना है कि मैं उत्तराखंड के हर एक अधिकारी का सम्मान करता हूं, वो देश का आप जानते हैं आईएएस का जो पद होता है वो बड़ी मेहनत से युवा जो मेहनत करते हैं उनको मिलता है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं और ये इस तरह का माहौल दे रहे हैं कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करता अधिकारी, मैं रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन जब कोई गलत कृत्य करे, चाहे नेता हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, तो क्या आम आवाम बोलेगा नहीं क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारा जो ज्ञापन है वो पहुँच चुका है और माननीय मंत्री हमारे जो पंचायत राज है उन तक पहुँच चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर वो न्यायिक निर्णय लेंगे। और मैं दो बातें कह रहा हूँ कि भाई मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैं अपने जिला पंचायत के लिए जनपद में 6 पद चाहता हूँ, जी के अभी 4 हैं, हमारे 6 ब्लॉक हैं, हमें 2 पद की स्वीकृति दें, शासन स्वीकृति देंगे, स्वीकृति के बाद उसमें कोई तैयार एजेंसी या उपनल या किसी को भेजेंगे, उसके बाद जो प्रक्रिया उसका पालन करेंगे और हम उसमें ज्वाइनिंग देंगे, क्यों नहीं देंगे, जहां मांग कर रहे हैं। लेकिन आप ये 16 तारीख को जब आप जा रहे हो डायरेक्टर छोड़ के, तब आप ये कर रहे हो और आपको पता चल गया कि मैं ऊपर बोलूंगा, क्योंकि सीएम साहब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं आजकल इस तरह के अधिकारियों को, तत्काल कुछ ना कुछ कर दे रहे हैं। तो इन्हें कहा आनंद फानंद में घबरा रहे यार, कुछ ना कुछ मेरे साथ हो जाएगा, तो इन्होंने कहा मैं बीपी का पेशेंट हूँ, मेरे उनके परिवार के साथ पूरी सहानुभूति है और इस तरह का आरोप ना लगाएं कि मेरा परिवार है, हमें मालूम है कि जब परिवार में कोई पीड़ा होती है, मैं जांचों से जब गुजरा हूँ, 38 महीने मेरी जांच हुई है,
38 महीनों में मेरे परिवार में भी किस तरह की चीज़ें हुई मैं जानता हूँ, लेकिन मैं बेदाग निकला हूँ। और मैं आज कह सकता हूँ तुम भी थोड़ा अपनी जांच करवा लो, और हमारे सरकार 15 दिन में जांच क्लियर भी करा देगी। क्यों घबरा रहे हो? आज आप सिर पे लिख रहे हो कि मुझे धमकाया गया धरने के लिए, कि धरना देना चाहता है जिला पंचायत। धरना देना कोई धमकाना थोड़ी होता है। प्रशासन की तरफ से मुझे किसी तरह का कोई इसमें उन्होंने संपर्क ना किया है ना कोई बात है। मैंने अपनी बात कही है, और मेरे को ये मालूम है कि जिनको उन्होंने पत्र लिखा है वो इस प्रदेश की सम्मानित IAS अधिकारी मैम राधा रतूरी जी, और वो एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर हैं, और उन्होंने इस उत्तराखंड की जो माटी के लगाव को जानती हैं, तो उन तक भी ये बात जा चुकी है और सच्चाई उनके पास भी पता है, और जरूर इसका कुछ ना कुछ निर्णय आने वाला है, आएगा। गाँव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर। आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज़, खबर वही जो है सच सही।